तुला राशि वालों, 21 फरवरी बुधवार का दिन पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र का शनि सौभाग्य योग में आज का दिन आपके लिए काफी लाभ मान सम्मान सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा के सुख भाव में गोचर कर रहा है। शनि सूर्य बुध की युक्ति है, मंगल के साथ शुक्र का गोचर हो रहा है, राहु शनि के धन भाव में बैठा है। आज आपकी कुंडली के सुख स्थान में लग्ने शुक्र धनेश मंगल के साथ गोचर कर रहा है और कर्म स्थान में बैठा चंद्रमा अपनी पुण्य दृष्टि से मंगल को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, अच्छे नतीजे मिलेंगे, उत्साहजनक परिणाम देखने को मिलेगा, इच्छा महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी, परिस्थिति आपकी जीवन की बदलेगी और आज बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर लग्न के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है। वहीं आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि सूर्य बुध में शनि सूर्य और बुध के प्रभाव से त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है, जबकि सूर्य बुध की युक्ति से बुधाधित राजयोग राजयोग के प्रभाव से आपकी जीवन में प्रभावशाली समय कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, कोई बड़ा बदलाव करेगा, कर्म और भाग्य से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे। आज का दिन आपके रुकावटों को दूर करेगा, बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और पूरब दिशा की तरफ से काम की शुरुआत करेंगे तो भाग्य भी आपका चमकेगा, परिश्रम से इच्छा भी पूरी होगी, सौभाग्य का लाभ भी मिलेगा और किस्मत के सितारे भी आपके बुलंद होंगे। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 21 फरवरी बुधवार का दिन माघ माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र आज का दिन बृहस्पति के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। द्वादशी तिथि 11:27 तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि का उदय होगा सौभाग्य योग 11:51 के बाद दे। और पुनर्वसु नक्षत्र 2:18 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र का उदय। पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र में शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा आज उच्च का होकर गोचर कर रहा है और चंद्रमा आज बृहस्पति के सुख भाव में बैठा है। ग्रहों की दशा भाग्य का साथ है, जीवन में सुख संपत्ति सौभाग्य का सुंदर अवसर बना रहा है। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति के सुख भाव में चंद्रमा का गोचर, सूर्य का बुध के साथ बुधाधित राजयोग का निर्माण करना और शनि बुध सूर्य का त्रिग्रही राजयोग, मंगल का शुक्र के साथ युक्ति और राहु का शनि के धन भाव में गोचर करना आपके जीवन में उत्साह उमंग और सौभाग्य की प्राप्ति लेकर आया है। केतु का बुध के साथ नवम पंचम योग बनाना महत्वाकांक्षा को पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है, बड़ा सौभाग्यशाली योग है। आज कामयाबी का सपना आपका पूरा होगा, स्थिति में बड़े बदलाव होंगे, धन और लाभ का सुंदर अवसर प्राप्त होगा, दिन हंसी खुशी में व्यतीत होगा, आपकी जिज्ञासा और समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और आपके मन में उत्साह और खुशी जागृत होगी। कोई बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। आज पुनर्वसु नक्षत्र में देव गुरु बृहस्पति की कृपा से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के सुख भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति खूब तरक्की लेकर आएगा और जीवन काफी सुखी और जीवन में बड़े लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मन की इच्छा पूरी होगी, जीवन की रुकावट दूर होगा और राहु का शनि के धन भाव में गोचर करना जीवन में धन का आगमन और खुशियों का संचार अवश्य होगा, बाधा रहित जीवन होगा, तरक्की आरंभ होगी, किस्मत का साथ मिलेगा। पुष्य नक्षत्र का शनि आज आपके लिए काफी शानदार अवसर लेकर आया है। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है,
दिन आपके लिए सुख देने वाला भाग्यशाली दिन है। अगर आज आप पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन आपके सपनों को साकार करने वाला, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी देने वाला, भाग्यशाली आपको बनाएगा। हर दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जो भी काम आप करेंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, मन की परेशानी दूर होगी, दिन आपके लिए शानदार होगा। आत्मविश्वास के साथ अपने अधूरे काम को पूरा करते हुए जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आप देखेंगे। जीवन में कई तरह की खुशी और सुख की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि धन का लाभ होगा, उन्नति देखने को मिलेगी, संतान से शुभ समाचार मिलेंगे और आपके जीवन में ये समय सुख की प्राप्ति और तरक्की और आपकी काम की प्रशंसा होगी। दिन आपके लिए काफी भाग्यशाली समय लेकर आया है। आज का दिन आगे बढ़ते जाने का दिन है। आज का दिन अपने जीवन में सफलता और सुख पाने का दिन है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति जीवन की बाधाओं को दूर करता है और पुष नक्षत्र का शनि विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है। शनि के सुख भाव में चंद्रमा के गोचर करने से सफलता की प्राप्ति होती है और केतु का बुध के साथ नवम पंचम योग बनाना अद्भुत क्षमता आपके जीवन में लेकर आता है। आकर्षक व्यक्तित्व मंगल के साथ सुकृत्य गोचर से प्राप्त हो रहा है। स्वाभिमान आपका बढ़ेगा। शनि शुभ स्थिति में है। सुख पाने की लालसा प्रबल होगी। धैर्य का परिचय देते हुए जीवन में अपने कार्य को मेहनत से करते जाएं। सुख का आनंद भी मिलेगा। सफलता और भाग्य की बुलंदी से कार्य की गति भी तेज होगी। शुभ काम का सामर्थ्य बृहस्पति से प्राप्त होगा। आज किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल सकते हैं। आज मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान, जीवन में उन्नति, तरक्की, सुख समृद्धि की प्राप्ति और जीवन में हर तरह का सुख आप प्राप्त करेंगे। जो नौकरी करते हैं उनके लिए जीवन की बाधाएं खत्म हो रही है। शांत दिमाग से अपने काम को करें। आपका भविष्य उज्जवल है। जो बेरोजगार हैं मेहनत करते जाएं। आज मन की इच्छा पूरी होगी। नई नौकरी का योग बन रहा है। समय बड़ा ही शानदार है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में नई संभावना की शुरुआत होगी। आज अत्यंत सुखद फल की प्राप्ति और नौकरी का योग भी बन रहा है। जो व्यापार करते हैं उनके अधूरे काम पूरा होते हुए नजर आएंगे। समय बड़ा ही शुभ है। धन में, लाभ में और विस्तार में, यानी आपके व्यापार में धन का लाभ होगा, कार्य का विस्तार होगा, सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। आज सुख सौभाग्य धन कमाने का उत्तम समय है। सोया व नसीब भी आपका जागेगा और आपके जीवन में आने वाली परेशानी भी कम हो जाएगी, परिस्थिति आपकी बदलेगी। ये समय लाभ का है, धन कमाने का है, लक्ष्य की प्राप्ति करने का है और परेशानियों पर विजय प्राप्त करने का समय है। यानी आपके जीवन में आमदनी की वृद्धि भी होगी और जीवन में इच्छा की शीघ्र पूर्ति भी होगी। दिन आपके लिए लाभकारी है। सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला सुंदर समय है। आपके लव लाइफ में बहुत खुशी और सुख की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन बड़ा ही आनंद देगा और आपके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से भाग्योदय भी होगा और शुभ समाचार और जीवन में लाभ तरक्की का अवसर भी प्राप्त होगा। आज का दिन पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति और पुष नक्षत्र के शनि के प्रभाव से आपके लिए तरक्की, उन्नति, खुशखबरी का सुंदर अवसर प्राप्त होने वाला है। दिन उत्साह, उमंग के साथ आगे बढ़ेगा और लाभ तरक्की आपके जीवन में होगी। राहु काल 12:35 से 2 बजे तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा और लक्की नंबर 6 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:13 से दिन की शुरुआत होगी, लेकिन लाभ का अवसर विजय मुहूर्त 2:28 के बाद प्राप्त होगा। अमृत काल 11:41 के बाद आपके जीवन में परिवर्तन संभव है। पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे। दिन आपको अच्छे नतीजे देंगे। गृहस्थ जीवन में सुख शांति होगा।
आपके लिए सफलता कामयाबी का योग है, धन संपत्ति कमाने का योग है, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा और जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री